अस्सलाम वालेकुम। चाहिए M500 मशीन है 525। ठीक है, आज इस पर स्कैनिंग करने का तरीका समझाता हूँ। दो तरीके से होती है, एक दफ़ा एक स्कैन टू फोल्डर होती है, नेटवर्क फोल्डर, और एक होता है ईमेल। पहले हम जो है, मैं आपको इजी वे है स्कैन टू फोल्डर वो सिखा देता हूँ वो कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने करना ये है कि इसके जो नेटवर्क की सेटिंग है उसमें जाना है। ठीक है, मशीन को पहले ऑनलाइन करना है आपने सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना नेटवर्क सेटिंग में, एम्बेडेड जेट डायरेक्ट मेन्यू, TCP/IP, IPv4 सेटिंग, कॉन्फिग मेथड में जाके इसको पहले मैनुअल करना है। फिर मैनुअल सेटिंग में जाएंगे तो IP एड्रेस आ रहा होगा, इसमें आपकी जो नेटवर्क की रेंज चल रही है उस हिसाब से उसको IP फिक्स कर दें, सबनेट मास्क देख लें, ये भी डाल दें, और गेटवे, ये तीनों चीज़ें डालनी है आपने। ठीक है, ये हो गई मशीन ऑनलाइन आपकी। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके जेट डायरेक्ट मेन्यू में। उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर लाजमी चाहिए होगा, उससे इसकी सेटिंग होगी। अच्छा, अब जब मशीन ऑनलाइन हो जाए, नेटवर्क पे आ जाए, तो सबसे पहला काम में अपने करना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है, चाहे क्रोम खोलें या एज खोलें, वहाँ पे ऊपर बार में इसकी IP एड्रेस डालें जो मशीन को असाइन की है। ये एक मैसेज देगा प्राइवेट कनेक्शन का, एडवांस में जाके इसको प्रोसीड कर दें। उसके बाद ये जो है स्क्रीन इसकी खुल जाएगी, इसका कंसोल खुल जाएगा। अच्छा, इसमें दो मॉड्यूल हैं, एक FS3 है और एक FS4 है। ये FS4 वर्जन है, FS3 थोड़ा डिफरेंट है। उसमें स्कैन टू डिजिटल में चले जाएं आप, नीचे देखिए बराबर में देखिएगा स्कैन टू फोल्डर है, फिर उसके बाद आपने जाना है क्विक सेट में। क्विक सेट में जैसे ही आप आएंगे, तो ये यहाँ पे ऐड का बटन दबाएंगे आप। ऐड के बटन के बाद में यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है आपने, मतलब जो भी रखना चाहे आप अपना नाम रख दें क्विक सेट में। ठीक है, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है शेयर फोल्डर, अब ऐड का बटन दबाएं, यहाँ पे आपको फोल्डर का पाथ डालना है। मैं बताता हूँ कैसे। कोई भी अपनी DE ड्राइव में एक फोल्डर बनाएं किसी भी नाम का, उसको प्रॉपर्टीज़ में जाएं और शेयरिंग में जाएं, शेयर करें, और यहाँ से एवरीवन सेलेक्ट करके ऐड करके रीड और राइट करके आप बटन दबा दें और शेयर कर दें इसको। तो ये शेयर हो जाए डन करके, इसका ये जो पाथ है जो पीछे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पाथ है उसको आप कॉपी कर लें पूरा, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें। जब ये पेस्ट कर देंगे तो ये अपडेट फोल्डर का बटन है, इसको दबा दें तो ये नीचे पाथ आपका फोल्डर में आ जाएगा। और ये नीचे क्रेडेंशियल है, इसमें ऑलवेज़ यूज़ क्रेडेंशियल कर दें। डोमेन आप चेक कर सकते हैं अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज लेके, नॉर्मल वर्क ग्रुप होता है तो वर्क ग्रुप डाल दें, डोमेन अगर नहीं चल रहा तो आपके पास। अपना यूज़र नेम चेक कर लें, यूज़र नेम जो PC का है वो डलेगा आपका। टास्क मैनेजर में जाएँ, देखें यूज़र आ रहा होगा ऊपर, यूज़र में जाएंगे तो आपको आपका यूज़र नेम कंप्यूटर का पता चल जाएगा। बाजू का नेम कुछ होता है, यूज़र नेम कुछ होता है, और पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड लाजमी है, पासवर्ड चेंज नहीं कीजिएगा, कंप्यूटर का ही पासवर्ड डलेगा जो यूज़र का होता है, और उसको वेरीफाई एक्सेस का बटन दबा दें। चेंज करेंगे तो फोल्डर एक्सेस नहीं करेगा पासवर्ड। ये वेरीफाई एक्सेस का बटन दबा दिया, थोड़ी देर में ये आपको एक्सेस करके बता देगा। एक दो चीज़ें और बता दूं, वाईफाई की कनेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करें प्रॉपर्टीज़ का बटन दबाएं, जो आपका कनेक्शन है उसको प्राइवेट होना चाहिए। और दूसरा, नेटवर्क इन शेयरिंग में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है नेटवर्क इन शेयरिंग में एडवांस शेयरिंग में जाएं
और यहाँ पे आपको ये सारी डिस्कवरी वगैरह सब ऑन होनी चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो शेयरिंग पे ऑन होनी चाहिए। देखें ये सक्सेसफुल हो गया है। अब आप इसको ओके का बटन दबा के अप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट करके नेक्स्ट कर दें। अब ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं वो आप करना चाहें बाय डिफ़ॉल्ट तो वो भी कर सकते हैं। फाइल नेम है, साइज़ है, डार्कनेस है, ये सारी चीज़ें ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मुझे कितना कंट्रास्ट चाहिए, कितना डार्कनेस चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, DPI है और PDF है, जो भी आप रखना चाहें वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको रख सकते हैं। देखिए अब फोल्डर ये क्विक सेट का बन गया है मेरा, ठीक है। अब मैं इसको फिनिश कर दूंगा। अच्छा अब मैं आपको PC पे जा मशीन पे जाके आपको दिखाता हूँ कैसे स्कैन वगैरह का तरीक़ेकार क्या है। मशीन पे आ गए, मशीन पे आने के बाद हम स्कैन में जाएंगे। स्कैन टू नेटवर्क फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोड करेंगे क्विक सेट। ये देखें मेरे नाम का फोल्डर आ गया है यहाँ से, इसको हम करेंगे लोड। ठीक है ये हो गया लोड। अब आपने पेपर रखना है ऊपर फीडर में या नीचे जहाँ पे भी रखना है आपने, वो रख के आप सेंड का बटन दबा देंगे। ये एक्सेस करेगा उसको और उसके बाद पेज स्कैन कर देगा। ठीक है ये हो गया है। अब आप बैक करें इसको। एक तरीका और भी है शॉर्टकट जो मैं आपको बता दूं। यहाँ से आप जब जाएंगे क्विक सेट में तो ये देखें मेरे नाम का यहाँ पे शॉर्टकट आ रहा है, मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करूँगा ये डायरेक्ट लोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्कैन कर सकता हूँ। अब मैं आपको सिस्टम पे दिखा देता हूँ कि स्कैन आया नहीं, नहीं आया। अच्छा अब हम PC पे आ गए, ठीक है। ये मैंने फोल्डर में देखें ये फ़ाइल मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, मैं इसको ओपन करके आपको चेक कराता हूँ। देखें ये PDF की जो फ़ाइल थी ये ट्रांसफ़र होकर आ गई है। रोटेशन थोड़ी उल्टी हो गई है क्योंकि मैंने उसका दूसरी तरफ रखा था, तो ये इसको चेंज कर लेते हैं। बहुत आसान स्टेप है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपकी मशीन ऑनलाइन होनी चाहिए, सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए, तो ये आपके स्कैनिंग जो है वो काम करेगी। आप एक से ज़ायद 10 फोल्डर भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें।